फर्जी एजेंट के बारे में, यदि आप फर्जी एजेंट के बारे में नहीं जानेंगे और फर्जी एजेंट के चक्कर में पड़े जाएंगे तो आपको इतना पैसा नुकसान करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं दोस्तों आपको इसलिए सत्य और सही बताने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी आप भी दुबई कंट्री में यदि जाते हैं तो चाहे दुबई कंट्री हो, चाहे दोहा कतर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे बैंकॉक हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे किसी भी कंट्री में यदि आप जाते हैं तो आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि फर्जी एजेंट के चक्कर में कभी ना पड़िएगा। फर्जी एजेंट के चक्कर में कौन कौन से लोग आते हैं और कौन कौन लोग हैं जो फर्जी एजेंट चक्कर माना जाता है। दोस्तों मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आता है कि मुझे सर ये बताइए कि फर्जी एजेंट को कैसे जाने कि फर्जी एजेंट कौन है और सही एजेंट कौन है, ये सब एजेंट कहाँ मिलते हैं और हम कैसे फ्रॉड हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको सही जानकारी कि फर्जी एजेंट को कैसे आपको जानकारियाँ मिलेगी और आप कैसे जानेंगे वह फर्जी एजेंट है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। यदि यह मेरा वीडियो आपको सही लगे तो अपने दोस्तों अपने यारों तक जरूर पहुंचाइएगा कि वो फर्जी एजेंट के चक्कर में अपना पैसा ना गंवा दें और अपने कंट्री में ही रहकर ही वो इतना पैसा ना बर्बाद कर दें कि दूसरे कंट्री में उनको जाने भर की शक्ति भी और हिम्मत भी ना रहे। जैसे कि दोस्तों देखिए, पहला जो एजेंट जब होता है सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा आपसे कि आप काम आता है कि नहीं, आपकी आप कितने दिन की एक्सपीरियंस है, आप कौन सा काम में जाना चाहते हैं, आपको इतना पैसा लगेगा, आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हम पक्का एग्रीमेंट कराएंगे, वीज़ा देंगे, टिकट देंगे, केवल आपको चंद पैसे देना पड़ेगा, मेडिकल आप खुद कराएंगे, ये तमाम बातें आपसे खुद कराएगा दोस्तों, फिर आपको मेडिकल भी अपने ही डॉक्टर में भेजेगा, ये पूरी जानकारी दोस्तों खुद ही कराएगा, आपको मेडिकल भी होगा वो भी फ्लॉप हो जाएगा, मेडिकल मेडिकल भी खराब होता है, पूरी जानकारी दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ एकदम सत्य बता रहा हूँ। यदि आपके कोई भी दोस्त यार हैं तो इस वीडियो को जरूर फैलाइएगा, जिस प्रकार से आपको उनको भी मदद मिल सकता है। आज के डेट में देखा जाए दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो यदि आप गांव के हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो आपको बम्बई भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, हरियाणा भेजेंगे, लुधियाना भेजेंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे, ये सब जगह आपको भेजा जाता है। इसमें आपको सब कुछ कराया जाएगा, पैसा भी लिया जाएगा, मेडिकल भी कराया जाएगा, वीजा भी बनाया जाएगा, टिकट भी बनाया जाएगा, सब कुछ बनाया जाएगा, बस सब कुछ बनाया जाएगा, फिर भी आप दुबई कंट्री में नहीं जा पाते हैं। रीजन दोस्तों ये है कि आपको जो वीजा होता है वो दुबई का ही नाम रह जाएगा और कंट्री जो कंप्यूटर से स्कैन करके निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कोई भी एजेंट आपको यदि आपको मिल रहा है तो उससे आप ये बातें जरूर कहिएगा कि मैं जो भी आप मुझे डॉक्यूमेंट देंगे मैं गूगल पर चेक करूंगा। यदि गूगल पर दिखाता है दुबई कंट्री का जो वीजा रहता है, जो टिकट रहता है, दोस्तों गूगल पर शो करता है, जिस कंपनी में आप आएंगे जो कंपनी दिया रहता है उसका शो करता है, यदि वो दिखाता है तभी दोस्तों जाइएगा, वरना जब तक दिखाता नहीं है तब तक आप पैसा ना दीजिएगा चाहे जो भी हो जाए। तो कंपनी का अलग अलग च्वाइस रहती है कि आपको कैसे ठगा जाए या आपसे पैसा कैसे लिया जाए। तो दोस्तों मैं बताया हूँ चंडीगढ़, लुधियाना, हरियाणा, दिल्ली, भी कंट्रियाँ ऐसे हैं जहाँ पर बम्बई दुबई के नाम से ठग लिया जाता है। तो दोस्तों मैं यही आशा और उम्मीद करूँगा कि जब तक आप वीजा पा ना जाए उसको चेक ना कर लें कंपनी पर कि कंपनी शो कर रही है कि नहीं, तब तक आप एजेंट को पैसा ना दीजिएगा। ना ही तो आप यदि वो कहें कि आपको बम्बई से फ्लाइट होगा तो भी पैसा ना दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ऐसे वीडियो देखा है, हमने बहुत ऐसे सर्च किया है जिसमें आधर तक ले लगा है कि गांव से लोग लेकर बम्बई लेकर जाते हैं, बम्बई घुमा देते हैं, या चाहिए कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बम्बई आज तक देखे ही नहीं है, बम्बई में कुछ ऐसे सिटी में उतार दिया जाता है जो उनको दुबई लगता है, या चाहिए कह सकते हैं भ्रम में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं उस हर एजेंट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी भी बंदे को वह भेजें तो सही तरीके से भेजें, क्योंकि दुबई में जाने पर बहुत उनको कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं हर उस एजेंट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे कोई भी ये सब्सक्राइबर भाई को, या चाहे मेरे कोई भी क्लाइंट को, या चाहे मेरे कोई भी व्यूवर्स को, चाहे किसी भी कंट्री में मेरे व्यूवर्स हों या ना हो, या चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हों चाहे ना किए हों,
मुझसे मतलब रखते हों चाहे ना रखते हों, फिर भी मेरे दोस्त मेरे भाइयों को हर एजेंट से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उनको हर कंट्री में हर जगह सही तरीके से भेजें। चंद पैसों की खातिर उनके जिंदगी से खिलवाड़ ना करें, उनके लाइफ से खिलवाड़ ना करें, उनके टाइम और उनके फ्यूचर से खिलवाड़ ना करें। मैं हर निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के उस एजेंट से, यदि उनको भेजें तो सही तरीके से सही जगह भेजें ताकि वह पैसा कमाएं, आपका नाम करें और आपको अच्छा सम्मान दें। ये ना कि उनको फर्जी में भेज दें, वो पैसा भी ना कमाएं, आपको सुबह शाम गाली दें। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करूंगा यदि आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा कि आप कभी भी फर्जी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। और साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं, यदि आपको कभी भी कोई कहता है कि बम्बई आइए मैं बम्बई से आपका फ्लाइट कराऊंगा, तो यदि आपके कोई जान पहचान के हैं तभी जाइएगा वरना फ्रॉड के चक्कर में पड़े जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करूंगा यदि आप लोग दुबई कंट्री में जाते हैं या चाहे अन्य कंट्री में जाते हैं तो मैं निवेदन करता हूं उन हर एजेंट भाइयों से कि सही तरीके से सही जगह भेजने की कोशिश करें। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइएगा और फर्जी एजेंट के बचने के चक्कर में बच जाएं और अपना पैसा ना बर्बाद करें। तो दोस्तों मैं देश विदेश कंट्री के बारे में बताते रहता हूं, यदि आप भी जाना चाहते हैं दुबई कंट्री में तो दोस्तों बने रहिए, या चाहे अन्य कंट्री में जाना चाहते हैं तो बने रहिए। मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए जॉब और सर्विस बताते रहता हूं दोस्तों।